नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में लगातार ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने पर काम कर रही है और इसी कड़ी में सरकार एक और नया कदम उठाने की प्लानिंग में है, जिसके बाद आपको टोल प्लाजा पर रुककर टोल जमा करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद सरकार अब जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूलने की प्लानिंग में है। जीपीएस टोल सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर लगे टोल नाकों को हटा दिया जाएगा। जीपीएस टोल सिस्टम में गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा और टोल प्लाजा क्रॉस करते ही बैंक अकाउंट से टोल टैक्स काट लिया जाएगा। वर्तमान की बात करें तो अभी सरकार टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का मानना है कि इससे टोल वसूली में हो रही धांधलेबाजी पर रोक लगेगी और गाड़ी चलाने वाले के खाते से उतने ही पैसे काटे जाएंगे जितनी दूरी वो तय करेंगे। आपको बता दें कि अब गाड़ियों में लगा नंबर प्लेट सामान्य नहीं होगा, बल्कि इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होगा। दरअसल टोल प्लाजा की जगह कैम बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होने पर गाड़ियों में लगे नंबर प्लेट में भी बदलाव किए जाएंगे, जो जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नई गाड़ियों में जीपीएस नंबर प्लेट लगाने का आदेश दे दिया है। वहीं पुरानी गाड़ियों में पुराने नंबर प्लेट को हटाकर नए नंबर प्लेट लगवाने होंगे। ये नंबर प्लेट्स एक सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे, जिससे आपकी गाड़ी के टोल प्लाजा पर पहुंचते ही अपने आप टोल टैक्स कट जाएगा। नए जीपीएस टोल सिस्टम के आने के बाद आपको टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से छुटकारा मिल जाएगा और आपको टोल जमा करवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए जीपीएस टोल सिस्टम के तहत रोड की एंट्री पर कैमरा लगाया जाएगा और आपके नंबर प्लेट को जीपीएस के जरिए स्कैन किया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।